हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विद योर न्यूमरोलॉजिस्ट यानी अंक ज्योतिषी हिमानी बुंदेला। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझसे ज़्यादातर लोग जब आते हैं ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम मेरी जॉब कब लगेगी, और वो प्राइवेट होगी या गवर्नमेंट होगी। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोग समझेंगे और जानेंगे कि कैसे सिर्फ बर्थ टाइम से हम अपनी ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी जॉब किस एज में आकर मिलेगी। ओके, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए अब सीखते हैं कैसे आप जान सकते हैं आपको जॉब कब मिलेगी। सपोज दैट किसी का बॉर्न 8:25 PM को PM है, किसी का बॉर्न जो है 8:25 AM है, मतलब ये बर्थ टाइम हो गया। ठीक, इतना हम सब जानते हैं कि जॉब के लिए 18+ AM एलिजिबल है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी हम लोग एक स्टैंडर्ड एज लेकर चलते हैं, सबके लिए होती है 20। तो हम 20 में ऐड करेंगे अपने बर्थ टाइम को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लीजिए 20, जैसे कि टाइम क्या है हमारा 8:25, तो 20+8 तो हमारा कितना आ जाएगा 28। नेक्स्ट लिख लीजिए 20+2, क्योंकि 25 PM था तो 20+2 तो क्या हो जाएगा हमारा 22। देन 20+5, क्योंकि 25 था 20+5 सो वी गेट 25। सो अगर इस तो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी अगर किसी का बॉर्न 8:25 PM है तो उसको किस एज में जो लगेगी, इट मे बी 28, 22 और 25। मतलब इस इंडिविजुअल को इस एज में जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, इट मे बी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब। अब एक बात ये देखनी है, जो टाइमिंग है वो PM है, अगर PM रहेगा तो हम 20 में +8 करेंगे, क्योंकि जो PM होता है वो सैटर्न से डिनोट करते हैं, सैटर्न का नंबर होता है 8। ठीक, नंबर 8, तो 20 प्लस 8 लिख लेंगे हम। ठीक, और अगर PM की जगह किसी का टाइम AM में आता है, बहुत से लोग तो AM में बॉर्न होता है, ठीक, तो AM की जगह हम क्या लिख लेंगे, नंबर 1, सन को डिनोट करता है। तो सपोज दैट अगर किसी का टाइम होता है 8:25 PM की जगह AM है ना, तो हम AM में क्या लिख देते हैं 20 प्लस 1। ओके, ये है। अब आइए बात करते हैं जिन लोगों ने मुझे अपने यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन सेंड किए थे उनके आंसर्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डेट ऑफ बर्थ है योगी राज्य की डेट ऑफ बर्थ है 27th of May 1984। इनका क्वेश्चन था कि इनकी शादी कब होगी, तो योगी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जनवरी में आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है मैरिज रिलेटेड, प्लस इसी साल 2017 में आपके लिए दिसंबर में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा करण की डेट ऑफ बर्थ है 22nd February 2000। इनका क्वेश्चन था दीदी मैं सक्सेस कब तक हो पाऊँगा। सो करण जो 2018 है वो आपके लिए थोड़ा हार्ड लेबरस होगा, मतलब बहुत मेहनत करने वाला होगा, बट वो आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है, मगर अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा। नेक्स्ट हमारी डेट ऑफ बर्थ है चिराग ठाकुर, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25th of July 1997। इनका क्वेश्चन था कि ये पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो ये इसमें सक्सेस होंगे या नहीं। चिराग, देखिए सबसे पहले आपके लिए जो ट्रैक बेस्ट आ रहा है, सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रैक आ रहा है, वो आ रहा है एक सोशल वर्कर का। अगर आप पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हैं तो अपने माइंड को आपको एक ही चीज़ पर फोकस रखना है कि मैं एक सोशल वर्कर की तरह काम करूँगा, मतलब जितना आप सोसाइटी के लिए करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। सो बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट हमारी डेट ऑफ बर्थ पीजी है मोहिनी जी ने, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1991, और इनका क्वेश्चन था ये बैंक में अपना करियर सेट करना चाहती हैं तो ये अच्छी इनके लिए अच्छा है या नहीं है। तो मोहिनी जी, आपके लिए बैंकिंग सेक्टर तो अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ऐसा ट्रैक डिसाइड करें जिसमें आप ऑर्गेनाइज़र हो, मतलब आप अच्छी ऑर्गेनाइज़र बन सकती हैं, तो आप ऐसा कुछ भी देख सकती हैं, और आपके लिए बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, अगर आप बिज़नेस के लिए सोच रही हैं फ्यूचर तो आप कर सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये थे जिन लोगों के कमेंट्स मुझे सेंड किए थे, उन लोगों ने उनके कुछ रेस्पॉन्सेस थे ये, और जो लोग मुझे पर्सनल चैट में सेंड करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुझे मेरे यूट्यूब में ही कमेंट कीजिए, जिससे मैं प्रॉपर एनालिसिस कर सकूं, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ शेयर करना भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड।